हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आईसीआईसीआई बैंक सी में प्लेसमेंट में आती है तो किस जॉब रोल पे आएगी, आपको क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक से, एंड आपके जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, एंड मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड बताता हूँ क्या क्या इससे बैंक ऑफर करती है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो सीएमए कैंपस प्लेसमेंट 2022 का है, वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। यहाँ पे जो जॉब रोल आपको मिलेगा वो क्रेडिट मैनेजर का जॉब रोल मिलेगा, एंड इसके नीचे क्रेडिट मैनेजर से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्रेडिट मैनेजर का काम होता है जो बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, लोन्स के रिगार्डिंग होता है कि आप कितने अमाउंट तक का लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको काफी सारे एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए। जैसे एक आपने सिविल वर्ड आपने सुना होगा ड्यूरिंग अपने सीएमए फाइनल, कि जिसका सिविल अच्छा है उसको एक अच्छा अमाउंट ऑफ लोन मिल सकता है, जिसका सिविल अच्छा नहीं है उसको कम अमाउंट या बिल्कुल बेकार है तो उसको लोन नहीं मिल सकता। वो सारे कंडीशन यहाँ पे यूज होता है। जैसे बैंक क्रेडिट लिमिट देती है आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो सारी चीजें क्रेडिट मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है अगर आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बात करो तो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनकी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो शुड हैव एन एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड, बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक जो भी सीएमए क्वालिफाइड है उनके पास बेसिक नॉलेज तो डेफिनेटली होती है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी इनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा डीपली रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स एक फ्रेशर है वो भी आराम से इसमें जॉब ले सकता है क्रेडिट मैनेजर की जॉब रोल। बस आपको स्पेशल फोकस एरिया यहाँ पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, उसको एनालिसिस करने आना चाहिए। इसके अलावा उसको एनालिसिस करने के जो डिफरेंट टूल्स है, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गई, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप इस जॉब रोल के लिए आप इजिली आप इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहीं सैलरी रेंज नहीं बताया अपना। इट मीन सैलरी क्या था, निगोशिएशन था, जिस कैंडिडेट के साथ जितना निगोशिएशन हुआ उस अकॉर्डिंग इन्होंने सैलरी ऑफर की होगी मे बी। अदरवाइज एक सेम अगर सीटीसी सबको ऑफर कर रहे होते तो जरूर यहाँ पे मेंशन होता। सो मैं आपको बताऊँ सैलरी रेंज बिटवीन 6 to 8 lakh से ज्यादा नहीं होगी, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक इतने सैलरी ऑफर कर सकती है सेम प्लेसमेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रही है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप क्रेडिट मैनेजर के लिए आप जाना चाहते हो तो ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आपको प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट और लाइक जरूर करना। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।